क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 3 है, मोर अबाउट फैमिली, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 फैमिली के बारे में। फैमिली क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट फैमिली ही होती है। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ। फैमिली एक ग्रुप है लोगों का जो एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे। पीपल हु लिव विद अस आर अ पार्ट ऑफ अवर इमीडिएट फैमिली। वे लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो हमारी इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होते हैं। इमीडिएट फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स, हमारे माता पिता, चिल्ड्रन, बच्चे, और कभी कभी समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी। द एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स, एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है? इमीडिएट फैमिली में तो वो लोग हो गए जो एक साथ रहते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, हम हो गए, या दादा दादी हो गए। एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन आता है? इंक्लूड्स आंट्स, अंकल्स, कजिन्स एट्सेट्रा, यानी कि हमारे चाचा, चाची, मामा, मामी, उनके बच्चे, जो हमारे भाई बहन होते हैं, है ना। बट दे आर ऑलवेज देयर टू शेयर योर जॉयज एंड सॉरो। और ये जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग होते हैं, ये हमेशा हमारे लिए मौजूद होते हैं हमारी खुशी को और हमारे दुख को बांटने में। बोथ मेटरनल एंड पेटरनल रिलेटिव्स आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। और जो हमारी मम्मी की तरफ के रिलेटिव होते हैं, जो पिताजी की तरफ के रिलेटिव होते हैं, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है। वी मीट अवर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स। हम एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स से, उन लोगों से कम मिलते हैं इस वेरियस ओकेजन्स पे। बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब मिलते हैं, जैसे कि वेडिंग्स, शादियाँ, जब किसी की शादी होती है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म होता है, या कोई त्यौहार होता है। वी रीच आउट टू देम ऑन सैड ओकेजन्स, या कभी कभी दुख के समय हम उनसे मिलते हैं, जैसे कि डेथ इन द फैमिली, फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तब सब लोग मिलते हैं। वी शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज विद अवर रिलेटिव्स। हम अपने दुख और अपने सुख अपने सगे संबंधियों के साथ बांटते हैं। स्पेशल फैमिली ओकेजन, स्पेशल फैमिली ओकेजन क्या होते हैं? फैमिलीज मीट ऑन अदर ओकेजन्स टू। दूसरे जो ऐसे समय होते हैं जब हमारी फैमिलीज जो हैं, हम सब मिलते हैं आपस में। दीज स्पेशल फैमिली ओकेजन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे पिकनिक पे गए, हॉलीडे, छुट्टियाँ मनाई, एनिवर्सरी है किसी की, शादी की सालगिरह है, मूवी देखने गए हैं, फैमिली मील्स, एक साथ खाना खाने कहीं गए हैं, या सेलिब्रेटिंग सक्सेस, किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी ने कुछ अच्छा किया जिसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली गैदरिंग फॉस्टर क्लोजनेस, बिलोंगिंगनेस एंड रिस्पेक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स। जब फैमिली गैदरिंग होती है, जब फैमिली के लोग एक साथ मिलते हैं, तो उससे वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ आर पास डाउन फ्रॉम ओल्डर टू यंगर जनरेशंस। और किसी भी परिवार की परंपरा और उसके जो नैतिक मूल्य हैं, वो पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को दिए जाते हैं। दीज गेट टुगेदर लेट अस शेयर आवर बिलीव्स एंड आइडियाज विद वन अनदर। तो ये जो गेट टुगेदर होते हैं, गेट टुगेदर मतलब जब एक साथ लोग मिलते हैं तो अपने जो बिलीव्स हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं और जो उनके आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं। सिंपल थिंग्स लाइक ईटिंग टुगेदर एंड गोइंग आउट एज अ फैमिली एंड सेलिब्रेटिंग आर एज इम्पॉर्टेंट एज बिग ओकेजन्स। छोटी छोटी जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे एक साथ खाना खाना, है ना, एज अ फैमिली सेलिब्रेट करना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल उतने ही जितने बड़े ओकेजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर दैम, हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। एज दीज हेल्प अस टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से, एक साथ मिलने से, बाहर खाना खाने जाएंगे, घूमेंगे, उससे क्या होता है कि फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका आपस में बॉन्ड मजबूत होता है, एक दूसरे से रिश्ते मजबूत होते हैं। फैमिली बॉन्ड, फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, समाज की आधारशिला है फैमिली। अ क्लोज नेट फैमिली फुलफिल्स अवर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। अगर अच्छे से मजबूत फैमिली है, आपस में सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इस तरह की फैमिली में हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं और हमारी जो इमोशनल नीड्स हैं, जो हमारे संवेदनात्मक जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति होती है। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज प्रोवाइड अस विद द लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर अ हैप्पी लाइफ। और स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत फैमिली के रिश्ते जो अगर मजबूत हैं, तो उससे हमें प्यार मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है, जो हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, क्या क्या सीखते हैं हम? फैमिली टीचेस अस टू शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फैमिली से हमें काम और हमारी जिम्मेदारियों को
आपस में बांटने का सीख मिलती है. फैमिली मेंबर्स मोटिवेट अस, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अवर टैलेंट्स एंड टीच डिसिप्लिन. फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे जो टैलेंट हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है उसको पहचानने में हमारी मदद करते हैं और हमें डिसिप्लिन अनुशासन सिखाते हैं. दिस हेल्प्स चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल ग्रूम्ड एडल्ट्स. और इससे जो बच्चे होते हैं वो उनकी ग्रूमिंग अच्छी होती है, वो जब बड़े होते हैं तो बहुत अच्छे से उनकी परवरिश होती है. चिल्ड्रन फॉलो दियर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, अंकल का, आंट का, और सीखते हैं. एंड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शिवीज आंट इज़ अ कथक डांसर. शिवी की जो आंटी है वो कथक डांसर है. शी लव्स हर आंट. शिवी अपनी आंट को बहुत प्यार करती है एंड इज़ फैसिनेटेड बाई हर. शिवी हैज़ स्टार्टेड लर्निंग कथक फ्रॉम हर आंट. शिवी अपनी आंट को बहुत प्यार करती है, उनसे इम्प्रेस्ड है और उनसे उसने क्या सीखना शुरू कर दिया, कथक सीखना शुरू कर दिया. शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ गुड डांसर लाइक हर आंट. वो अपनी आंच की तरह ही बहुत अच्छी डांसर बनना चाहती है. उसके बाद है फैमिली वैल्यूज. एवरी फैमिली हैज अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस. हर एक फैमिली के कुछ ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं और कुछ उनकी परंपराएं होती हैं जो वे लोग उनका अनुसरण करते हैं. सम ऑफ देम चेंज विद टाइम. कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं. बट देयर आर सर्टेन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट नेवर चेंज. लेकिन कुछ ऐसे उनके नैतिक मूल्य हैं और कुछ ऐसी उनकी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती. दीज आर पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन. और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती हैं, ये परंपराएं और ये नैतिक मूल्य. थिंग्स दैट वी शुड डू टू डेवलप गुड फैमिली वैल्यूज़. अगर हमें अच्छी फैमिली वैल्यूज़ बनानी हैं, अच्छे मूल्य बनाने हैं परिवार में, तो क्या क्या करना चाहिए. नेवर क्रिटिसाइज एनीवन. किसी की को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. स्पेंड्स टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स. अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताना चाहिए. ईट मील्स टुगेदर. खाना एक साथ खाना चाहिए. केयर फॉर ईच अदर. एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए. बी रिस्पॉन्सिबल. जिम्मेदारी निभानी चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू डू वॉट इज़ राइट. हमेशा वो करना चाहिए जो सही है. एक्सचेंज योर व्यूज़ एंड आइडियाज़ विद हेल्प विद अदर्स टू हेल्प देम. और एक दूसरे के साथ अपने जो विचार हैं उनको बांटना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. बी ट्रूथफुल. सच बोलना चाहिए. रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग्स. दूसरे की जो भावनाएं हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए. लव एवरीवन एंड शेयर वर्क. हर एक को प्यार करना चाहिए और अपने काम को बांट के करना चाहिए. देखो इसमें एक्सरसाइज है. सबसे पहले पीपल हु लिव विद अस. जो पीपल हमारे साथ रहते हैं वो क्या होते हैं, इमीडिएट फैमिली का हिस्सा है. हमें क्या आपस में बांटना चाहिए, जॉय और सोरो. हमें क्या बिताना चाहिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, टाइम बिताना चाहिए. फैमिली वैल्यूज़ पास होती हैं कहाँ, फैमिली मेम्बर्स के बीच में. इसके बाद आता है, ये फिलअप्स हैं, ऊपर ऑप्शन दिए इन्हीं में से फिल करना है. फैमिली जो है सोसाइटी की बेसिक यूनिट है. फैमिली क्या सिखाती है कि शेयर करो काम को और अपनी जिम्मेदारियों को. फैमिली में क्या होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं. हमें क्या करना चाहिए दूसरों की फीलिंग्स का साथ, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए. इसके बाद ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स से हम अलग अलग ओकेजन्स पे मिलते हैं, ट्रू. फैमिली मेंबर्स हमें इनडिसिप्लिन सिखाते हैं, नहीं, फॉल्स है, डिसिप्लिन सिखाते हैं. फैमिली जो गेट टुगेदर होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ट्रू. एक्सटेंडेड फैमिली में जो वे लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, नहीं, फॉल्स. एक्सटेंडेड फैमिली में वो लोग नहीं होते जो साथ रहते हैं, चाचा चाची वगैरह होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया. इसके बाद आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स जो हैं चैप्टर में मार्क कर दिए हैं, उसकी फोटो भेज देंगे. फोर्थ का आंसर यहाँ पे है. ये एक पजल है, इसके अंदर से भी ओकेजन्स छाट के निकालने हैं. जब जब हम लोग मिलते हैं, जैसे बर्थडे पे मिलते हैं, मूवीज पे मिलते हैं, पिकनिक पे मिलते हैं, फैमिली मील पे मिलते हैं, हॉलीडे पे मिलते हैं, वेडिंग्स पे मिलते हैं, फेस्टिवल पे मिलते हैं, है ना, एनिवर्सरी पे मिलते हैं, इस टाइप से. इसकी पिक्स भेज देंगे. थैंक यू क्लास.